अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे वीडियो देखने मिलेंगे सबसे पहले, वो भी फ्री में। और अगर आपको मेरी पेड सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट नहीं है, ये यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है। चलिए गोल्ड का चार्ट लगाते हैं। यह है गोल्ड का चार्ट। ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है बिकॉज यूएस ने ईरान के स्पेस एयर स्पेस में घुसकर एक अटैक किया। यूएस स्ट्राइक्स हैव किल्ड कसीम सुलेमानी, ईरान मोस्ट पावरफुल कमांडर। फिलहाल उसको यूएस ने ईरान के एयर स्पेस में घुस के मारा है, जिसकी वजह से ईरान के भी एक स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं दैट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर आ चुका है। और दो यूएस मरीन ने भी एक लीडर को, काफी एक पावरफुल लीडर को एक अरेस्ट कर लिया है, वो इराक में अरेस्ट किया है। अभी आगे क्या होता है, पूरा वीकेंड बाकी है एक्शन के लिए, तो ध्यान रखें मंडे के लिए कोई भी पोजीशन बिल्कुल भी होल्ड ना करें, भले ही वो बाइंग में है कि सेलिंग में है, जब तक पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती है। अभी फिलहाल $1,542 गोल्ड चल रहा है। आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1,530, गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1,551। गोल्ड भाग रहा है बिकॉज ईरान पे अटैक हुआ है यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से गोल्ड भाग रहा है। ये अभी फंडामेंटल न्यूज की वजह से भाग रहा है, तो अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप फिर भी आपको करनी हो तो ध्यान रखें, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालें 1530 के नीचे का। बाकी कोई भी फ्रेश ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, बेटर है कि साइड लाइन में बैठे रहें, जब कोई न्यूज वगैरह आती है तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। आज वैसे भी फ्राइडे है, दो दिन मार्केट बंद रहेगा नेक्स्ट टू डेज, इसमें काफी कुछ हो सकता है यूएस और ईरान के बीच, इसलिए बेटर है कि कोई भी पोजीशन होल्ड ना करें। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर का चार्ट भी एकदम ब्लू है बिकॉज वही जो मैंने आपको रीजन बताया उसकी वजह से। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 1795 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 1842 का। ध्यान रखिए कि 1795 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, और 1842 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 1855 और 1890 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है, अवॉइड कीजिएगा कोई भी सेलिंग करना। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। जैसा कि यूजुअली होता है कि मिडल ईस्ट में कहीं भी हमला होता है तो क्रूड ऑयल भाग जाता है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी 3% ऊपर है आज। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। चलिए क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में आज का सपोर्ट है 61.70 का। क्रूड ऑयल में आज का रेजिस्टेंस है 64.5 का। ऑलरेडी आपको पता है जब मिडिल ईस्ट में कोई भी कुछ होता है तो पॉजिटिव होता है, तो आज भी पॉजिटिव ही है। सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे जा सकता है, अदरवाइज सेलिंग की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्रूड ऑयल में सेलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, तो ध्यान रखिएगा सेलिंग से बिल्कुल बचें आप क्रूड ऑयल में। चलिए एमसीएक्स के लेवल्स देखते हैं। एमसीएक्स में सबसे पहले क्रूड ऑयल को भी देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 46.10। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 43.80। एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट है आज का 39.650। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 40,020। 40,000 आ गया गोल्ड, मुबारक हो सबको एमसीएक्स वालों को। एमसीएक्स सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 48,125। एमसीएक्स सिल्वर का सपोर्ट है आज का 47,200। निफ्टी चल रही है 12,243। निफ्टी का सपोर्ट है आज का
12,220, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 12,310। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 220 ब्रेक करता है तो सेलिंग निफ्टी में बेटर रहेगी। 220 का ब्रेक करें, वेट करें अगर आपको सेलिंग करने का, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो बेटर है 220 का वेट करें। और अगर आपको मेरी पेड सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अब वीकेंड पे अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।